नमस्कार, मैं कंचन भड़ाना, आप देख रहे स्वागत जिंदगी न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित बालिका सुरक्षा अभियान के तहत अभिनव प्रज्ञा प्रस्नातक महाविद्यालय सरीला में प्राचार्य डॉक्टर रोहित सिंह रजावत की देखरेख में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए बालिका सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जरिया थाना प्रभारी निरीक्षक रीता सिंह ने सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर महाविद्यालय के छात्राओं को आत्मरक्षा की टिप्स देकर उन्हें जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पुलिस थाना नंबर एवं हेल्पलाइन नंबर 112 एवं महिला हेल्पलाइन 1090 नंबर आदि की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी भी बालिका को कोई भी समस्या आती है तो तुरंत निम्न नंबरों पर सूचित करें। उत्तर प्रदेश पुलिस आप सबकी सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रोहित रजावत ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि वास्तव में नारी सुरक्षा सम्मान हम सबका परम कर्तव्य है। नारी का सम्मान हमारी संस्कृति है, बेटियां देश का गौरव है। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर वैज्ञानिक, राजनीतिक एवं सेना के क्षेत्र में भी बेटियाँ उन्नति कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। डॉक्टर रजावत ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए टिप्स देकर जागरूक करने के लिए एवं क्षेत्र में दुरुस्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक थाना जरिया रीता सिंह आभार व्यक्त किया। आत्मरक्षा के टिप्स पाकर छात्राओं ने प्रभारी निरीक्षक रीता सिंह की सराहना करते हुए खुशी व्यक्त की। संस्थान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव डॉक्टर एस के सिंह ने महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा जिला मंत्री नीतू भटनागर, BTC प्रभारी रमेश चंद्र, बालिकाएं एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। हमारा नाम गोपनीय रखा जाए, वो आपसे आपका नाम भी नहीं पूछेंगे। इसी तरह से 1090 है, 1090 में भी अगर आप कॉल करती हैं तो वो कॉल सीधे लखनऊ जाती है। लखनऊ से जो भी दृष्टि का मामला होता है वहां पे कॉल डाइवर्ट होती है, वहां से सीधे फिर वो संबंधित थाने को जाती है। अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती है तो आपसे कोई आपका नाम नहीं पूछेगा। 181 ये भी एक नंबर है महिलाओं के लिए, ये महिला हेल्प नंबर है। आप लोग कहीं भी परेशान हो, कुछ भी हो, तो आप लोग उसमें कॉल करके बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है। हम फला गांव में रहते हैं, वो गाड़ी आएगी वहां पे आपकी, वहां पे एक डॉक्टर की टीम रहती है, पुलिस वाले रहते हैं, उसमें टीचर रहते हैं और सामाजिक लोग भी रहते हैं, वो आके आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निराकरण कराते हैं। इसी तरह से आप लोग पढ़ने आती हैं, सबके पास एक सिप्टी पिन होता है, बैग में बाल में पिन होता है। ज्यादातर लड़कियां तो अपने हाथ में मतलब बैग में मिर्ची वगैरह भी लेके आती है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाहर निकली हैं तो अपने आप को बिल्कुल मजबूत करके चलिए। अगर आप किसी की बदमाशी को बर्दाश्त करेंगे तो आगे चल के वो और बढ़ जाएगा, फिर बाद में कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। इसलिए शुरुआती दौर पे अगर आपको लगता है कि हमको फला व्यक्ति परेशान कर रहा है या फला लड़का परेशान कर रहा है, स्कूल में कर रहा है, कॉलेज में कर रहा है, तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल या कोई लेडी टीचर है उनसे खुल के बताइए। किसी चीज को भी छिपाइए मत, और घर में भी अगर आप जा रहे हैं तो अपने मदर से तो निश्चित ही बताएं। अगर